वर्तमान हालात में राजनगर विधानसभा क्षेत्र में गरीबों को राशन की समस्या है। कई पंचायत से राशन नहीं देने या कम देने की शिकायत आ रही। विधायक होने के नाते आपका क्या पहल हो रहा है? जी नमस्कार। अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर उदयनगर जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर अनुराठाड़ी जी, जहाँ कहीं से भी शिकायत इस तरह का मिला है जो राशन में गड़बड़ी हो रही है डीलरों के द्वारा जी, उसे हमने सख्त हिदायत दी है जो ऐसे डीलर पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई हो यदि वह सत्यापित हो जाता है जी। दूसरा सवाल है सर कि पीएससी की हालत अभी क्या है? जैसे कोरोना की जो महामारी चल रही है उस हालत में पीएससी आप कितने तैयार है राजनगर विधानसभा क्षेत्र में? राजनगर पीएससी और अंधराठाड़ी पीएससी जी, एक तो कोरोना से हम लोग मुक्त हैं जी जी, और इस तरह का यदि कोई केस आता है जी तो उसे हमारे पीएससी प्रभारी उसको मधुबनी के लिए रेफर करते हैं जी, यही स्थिति है। कोरोना से और सरकार जी जी, और सरकार के आदेश मिलने के बाद हम लोगों ने भी पीएससी प्रभारी को कहा है जो अब आउटडोर भी लोग चालू करें जी। कोरोना से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं और राजनगर के प्रवासी लोगों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोरोना से निपटने के लिए सरकार के द्वारा हमारे स्थानीय मुखिया को भी कहा गया था जो लोग मास्क और साबुन का वितरण करें उनके लिए जी जी, और अपने स्तर पर हमने जहाँ कहीं भी देखा है जो इस तरह का लोग है जो कहीं कोई किसी को अन्न की कमी नहीं हो रही है जी जी, या कहीं कोई दिक्कत है महादलित परिवार में जी जी, तो उसके भरपाई के लिए भी हम लोग उचित कदम उठा रहे हैं जी जी। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार द्वारा उठाई जा रही कदम कोरोना से निपटने के लिए काफी है? देखिए, इस महामारी में हम लोग जितना कर रहे हैं वह मेरा बिहार सरकार के पास जितनी क्षमता है उसे वो ज्यादा कर रहा है जी। हमारे दूसरे राज्य में जो हमारे प्रवासी मजदूर वर्ग के लोग हैं, मैं कम से कम 100 लोगों को मोबाइल से जहाँ जहाँ गुरुगांव में या महाराष्ट्र में या हरियाणा में जहाँ कहीं भी लोग हैं उन लोगों के लिए वहाँ के स्थानीय विधायक से संपर्क कर उनके भोजन की व्यवस्था और सरकार से उनके खाते में 1,000 रुपया देने की बात हमने की है जी जी। इस विकट परिस्थिति में लोगों को जी जी, और ये सरकार के द्वारा जो हो रहा है सो हो रहा है जी, और उसके बावजूद भी हम यहाँ के तमाम जनता को या और मतदाता को बधाई देते हैं जी, जो अपने स्तर से स्वयं सचेत रहते हुए दूसरों को भी उन्होंने सचेत किया है। यहाँ दवा दारू की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं हुई है। सतर्कता से जो जिला जी जी, और मेरे विधानसभा जी, वह इस सतर्कता से, और हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को जी, जो लॉकडाउन करके उन्होंने पहले सतर्क होकर के देश को और खास करके जो मेरा जिला इसे बचा है वह बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की। आप लोग भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं जी। सर आखिरी क्वेश्चन है कि लोगों को इस विकट परिस्थिति में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस विकट परिस्थिति में लोगों को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, जो आप स्वयं अपने आप को परहेज रखें और दूसरे को भी आदेश दें, जो यह 3 मई जो मेरा लॉकडाउन का अवधि है जी जी, उसमें ये लोग सतर्क रहें, किसी तरह की वो बीमारी आगे न बढ़े, मेरा जिला ठीक ठाक रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, यही कामना हम लोगों से करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जी आपको भी धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा लगा।